बिस्मिल्लाह। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या किया है कि यहाँ पर एड्रेसेस प्रिंट किया। मैंने कहा अच्छा, फिर एक टास्क दिया कि डेटा टाइप चेंज करके देखो यहाँ कैरेक्टर, और फिर उसको रन करो। तो देखो एड्रेसेस चेंज हो गया, और कितने बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है। कैरेक्टर हमें पता है एक बाइट का होता है, तो 55, 54, 53 एक एक बाइट का ब्लॉक आ रहा है। सही है, इस तरह से तुम लोगों ने और डेटा टाइप चेंज करके देखी होगी। और यहाँ पर कितने बाइट्स का डिफरेंस है, 8 बाइट्स का डिफरेंस है, ठीक है, डबल में। तो खैर ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, इसको याद रखना पड़ेगा कि हमें बस इतना पता चाहिए कौन सी डाटा टाइप बड़ी कौन सी छोटी है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर, हमारा क्या टारगेट है, पॉइंटर्स क्या होते हैं। अभी तो हमने पॉइंटर्स नहीं, अभी हमने सिर्फ देखा मेमोरी एलोकेशन जो है, किस तरह से एड्रेस निकाल सकते हैं किसी वेरिएबल का। पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। क्या कह रहा है, पॉइंटर की डेफिनेशन बता रहे हैं कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। यानी किसी वेरिएबल का अगर तुमने एड्रेस सेव करवाना है तो उसको किसके अंदर सेव कराओगे, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सेव करा सकते हो। सही है। अच्छा, कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द मेमोरी एलोकेशन, या एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि डायरेक्ट अगर किसी मेमोरी को एक्सेस करना है तो वो किसके थ्रू कर सकते हो, तुम पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, लाइक एनी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यूजिंग इट टू स्टोर एनी वेरिएबल एड्रेस। कह रहा है कि तुम्हें किसी भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट को यूज करने के लिए एक पॉइंटर का उनके एड्रेस को सेव कराने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी है। उनके उसका सिंटैक्स ये लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन कैसे हो सकती है पॉइंटर की, पॉइंटर इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, डबल टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप भी हो सकती है, और कैरेक्टर। और पॉइंटर के साथ जहां पर भी स्टैरिक का साइन नजर आएगा हमें, ये वाला हमें क्या समझ जाना है कि ये कौन सा, ये पॉइंटर है, किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर, ये किस टाइप का है, डबल टाइप, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, चलो अब एक प्रोग्राम करते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो प्रोग्राम, पुराने वाले प्रोग्राम को यहाँ से कंट्रोल एन कर देते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इज इक्वल्स टू 10, ए के अंदर कौन सी वैल्यू है बेटा, 10 आ गई। इसके बाद हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आई पी इसका नाम रख दिया, यानी वेरिएबल का नाम आई पी है। ठीक है, इसके अंदर एड्रेस सेव करा देते हैं हम, किसका, किस तरह, कैसे, आई पी इज इक्वल टू, अगर मैं आई पी इज इक्वल टू ए कर दूंगा तो क्या होगा, नहीं अभी हमने क्या डिस्कस किया कि पॉइंटर क्यों डिस्कस कर क्यों करते हैं, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस सेव कराने के लिए। क्या मैं आई पी इक्वल्स टू ए लिखूंगा तो ए का एड्रेस आई पी में चला जाएगा, कितने लोग कहते हैं चला जाएगा, और से सुनो, पहले भी अभी मैंने कुछ करवाया, एड्रेस निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, एंड एम परसेंट की साइन लगेगी, वरना तो वो वैल्यू निकलेगी ना डायरेक्ट। तो एम परसेंट ए का मतलब है कि ए का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर के अंदर आ गया। सही है, यानी आई पी ये किसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल ए को पॉइंट कर रहा है, उसका रेफरेंस आ गया इसके पास। अच्छा, तो मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, देखो अब तुम कहोगे सर ये तो एड्रेस है, एड्रेस तो आप पॉइंटर वेरिएबल में सेव करा रहे हैं, आप एक काम करें ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें सी, और सी इज इक्वल्स टू, इस लाइन को भी कमेंट कर दें, भूल जाए पॉइंटर वेंटर हमने पढ़े ही नहीं, पॉइंटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती ये मान लो। सही है, सपोज काम चलाते हैं अभी तुम्हारी, मुझे ए का एड्रेस निकाल के एक वेरिएबल में सेव कराना है, तुमने कहा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, तो कर लिया हमने, सी इज इक्वल्स टू ए लिखने से क्या होगा, डेटा ए का डेटा सी में कॉपी हो जाएगा, एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेस नहीं आएगा, देखो उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लो, प्रिंट एफ परसन डी कॉमा सी, सी भी वही प्रिंट करेगा जो ए के अंदर है, ए के अंदर क्या है 10, डेटा कॉपी हुआ है, एड्रेस कॉपी कराना है, तो तुम कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपने, एंड लगा दें एम परसेंट की साइन और बस आपका काम बन गया, एड्रेस आ गया, एड्रेस भी तो एक इंटीजर नंबर है ना, क्या लगता है काम बन जाएगा। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या दे रहा है, एरर, और अगर इस एरर को पढ़ो नीचे तो कह रहा है एरर इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर माइनस एफ प्रीमिसेस। ठीक है, यानी ये हमें अलाउ नहीं कर रहा एक वेरिएबल के अंदर कि हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस सेव करें। तो अब यूज समझ में आया पॉइंटर्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें। ठीक है जी, अब हमें एड्रेस अगर सेव करवाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस सी से निजात चाहिए, इसको हटाओ,
और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर आईपी, और इस लाइन को भी हटा देते हैं, आईपी इज इक्वल्स टू एंड ए। अब जरा देखो कंपाइल, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आईपी, क्या लगता है आईपी क्या प्रिंट करेगा? एक एड्रेस प्रिंट करेगा, एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा? कितने लोग कहते हैं एड्रेस प्रिंट करेगा? आईपी के अंदर क्या चला गया? एड्रेस चला गया, बिल्कुल सही। देखो एक एक का एड्रेस कहाँ चला गया? आईपी के अंदर। इस बात का प्रूफ कैसे ले सकते हैं? अभी हमने पिछली वीडियो में देखा इस तरह से, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए कॉमा एम परसेंट ए, और यहां पे लिखेंगे वैल्यू इन आईपी, सही है, बैक स्लैश एन परसेंट ई, बेटा यहां लगाना है ना? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो इसको रन करने पे क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस और वैल्यू, यानी जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर सेव हुआ है सेम है, यानी उसका एड्रेस सेव हो गया, क्लियर है? अच्छा अब एक और एक्सपेरिमेंट, अब एक और क्वेश्चन, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से हमने इसको हटाया और ये वैल्यू वैल्यू हटा देते हैं, अभी आई पी इज इक्वल्स टू सिर्फ ये लिखा। अब ये बताओ अगर मैं यहाँ एंड लगा दूं तो क्या प्रिंट होगा? आईपी का भी एड्रेस होगा, हाँ जी। तो मैं बेटर कर दूं तो ये रहेगा एड्रेस ऑफ आईपी, यानी आईपी खुद एक मेमोरी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है, और उसका एड्रेस है 48, और 48 के ऊपर जो वैल्यू सेफ है, रेफरेंस सेफ है, वो किस वेरिएबल का एड्रेस सेफ है? ए का, जो कि 52 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, अब मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आईपी के अंदर वैल्यू क्या सेफ हुई हुई है ये बताओ, कैसे पता? उसके अंदर तो एड्रेस सेफ हुआ है, और अगर तुम्हें वैल्यू गेट करनी है तो तुम क्या लगाओगे? स्टार। स्टार लगाने के बाद मैंने रन किया, देखो आईपी ने इनडायरेक्टली क्या प्रिंट किया, 10। अच्छा जी इधर देखें, पहले हम इधर आते हैं और करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास देखो यहां पे क्या है, ए इज इक्वल्स टू 10, ए के अंदर 10 है, और फिर हमने एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बाद हमारे पास क्या है, हमने एड्रेस ए का आईपी में डाल दिया, और सबसे पहली चीज हम प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए क्या आ रहा है, 268652। फिर हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, आईपी ने उसका एड्रेस को होल्ड किया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट आईपी लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है ए का, हाँ एक एड्रेस आ रहा है, और अगर आईपी के साथ एम परसेंट लगा रहा हूं तो आईपी का एड्रेस आ रहा है, सही है, और अगर आईपी के साथ स्टैरिक लगा रहा हूं तो ए की वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि आईपी ने जिसका एड्रेस सेव किया हुआ है वो उसके उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, सही है, कि ए उसके अंदर कौन सा डाटा है ए के अंदर। अगर तुम्हें एड्रेस पता है तो तुम अपने एड्रेस से अपने दोस्त को निकाल सकते हो, इसी तरह आईपी के पास क्या है, एड्रेस है, और वो एड्रेस से 10th को फैच कर पा रहा है,